हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है द लॉयल डॉग। देखिए हम कैसे इंग्लिश से हिंदी इसकी निकालते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो देखिए क्या है स्टोरी का नाम, द लॉयल डॉग, वफादार कुत्ते की एक कहानी है। वंस एक बार अ थीफ एक चोर डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया या तय किया। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो पास्ट का इंडेफिनिट है। एक बार एक चोर ने क्या निर्णय लिया या तय किया, टू रोब, लूटने का। देखिए रोब होता है लूटना। अ विग हाउस, एक बड़े घर को, एक बड़े घर को लूटने का क्या उसने निर्णय लिया, किसने, थीफ ने, चोर ने। एज इट जैसे ही वॉज नाइट टाइम, रात का समय हुआ। एवरीवन वॉज अस्लीप, प्रत्येक क्या हो गया, सो गए। प्रत्येक जो है मतलब हर एक क्या है, सो गए। इन द हाउस, घर में द थीफ वॉज अबाउट टू जम्प, चोर जो था वो क्या कूदने वाला था। अबाउट टू का मतलब होता वाला था, जंप ओवर कूद कर, द गेट, गेट से। तो जो थीप था वो गेट से कूद कर जाने वाला था। वैन, जब जब ही सा, उसने देखा, किसने, उस चोर ने देखा। तो देखिए चोर क्या देखता है, जब उसने देखा अ डॉग, एक कुत्ते को उसने देखा क्या, लेइंग, बैठे हुए, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ ऑफ द गेट, गेट के दूसरी तरफ उसको बैठे हुए देखा। द डॉग इमिडिएटली, जो कुत्ता था वो तुरंत, इमिडिएटली होता तुरंत, वॉक अप, जाग गया, क्या हो गया, जाग गया। वैन जब ही हर्ड, उसने सुना, द थीफ क्लाइंबिंग ऑन, ये चोर क्या है वो चढ़ रहा है, द गेट, गेट पर, किसने सुना, कुत्ते ने। द थीफ ऑलवेज कैप्ट, जो चोर था वो हमेशा कैप्ट रखता था, कीप की सेकेंड फॉर्म में कैप्ट वो रखता था। सम मीट, कुछ मांस, कुछ मांस, मीट होता मांस, विद हिम अपने साथ, फॉर ही न्यू, जैसे कि वो क्या जानता था, क्या जानता था, डेट की रिच पीपल, जो अमीर लोग होते हैं, हैड डॉग्स, वो रखते हैं। देखिए हैड आता पोजिशन के लिए ऐसी कंडीशन में, तो जो अमीर लोग हैं वो रखते हैं क्या, एज गार्ड, कुत्तों को किस रूप में रखते हैं, गार्ड्स के रूप में रखते हैं अमीर लोग। सो इसलिए इन ऑर्डर टू क्वाइटेंड, उसको चुप कराने के लिए, देखिए क्वाइटेंड का मतलब होता है चुप कराना, ये चुप रहना, इसलिए इन ऑर्डर टू होता है के संदर्भ में, तो उसको शांत रहने के लिए, शांत कराने के लिए, किसको, द डॉग, कुत्ते को। द क्लेवर थीप, जो चालाक, जो क्या था, थीप था, थ्रू उसने फेंका, थ्रू की सेकंड फॉर्म में थ्रू, उसने फेंका सम स्लाइस, ये फेंके क्या, फेंके स्लाइसिस, टुकड़े फेंके, ऑफ मीट, किसके, मांस के, टूवर्ड्स की तरफ, देखिए टूवर्ड्स होता है की तरफ, द डॉग, कुत्ते की तरफ, कुत्ते की तरफ क्या, मांस के टुकड़े फेंके। द डॉग, जो कुत्ता था, स्निफ्ड, उसने सूंघा, कुत्ते ने सूंघा। द मीट, जो मीट है उसको, किसको सूंघा, मांस को सूंघा। बट परंतु, डिड नॉट ईट, वो नहीं खाया, उसने नहीं खाया ईट, इसे, किसको, मांस को। ही देन, उसने तब, ग्राउल्ड, उसको गुर्राया या भोंका, ग्राउल्ड का मतलब होता गुर्राना या भोंकना। एंड तब, एंड और सैड, उसने कहा, इफ़ यू थिंक, यदि तुम सोचते हो, डेट द वाय ब्राइमिंग मी, कि तुम मुझे क्या है, रिश्वत लेकर क्या है, रिश्वत दे कर क्या है, क्या कर सकते हो, यू कैन वाई मी, तुम मुझे खरीद सकते हो। यदि तुम सोचते हो कि, डेट होता है कि, वाई ब्राइविंग मी, रिश्वत देकर, यू कैन वाई मी, तुम मुझे खरीद सकते हो, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। आई नो, मैं जानता हूँ, यू नो, कम हेयर, तुम यहाँ पे आए हो, तुम यहाँ पर आए हो टू रोब, लूटने के लिए, माई मास्टर, मेरे मालिक को। ये कौन कह रहा है, ये कुत्ता कह रहा है कि तुम मेरे मालिक को लूटने आए हो, मैं जानता हूँ। बट परंतु, आई विल नॉट लेट यू, परंतु मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। विल होता गागीगे के लिए आता है, तो मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा, लेट का मतलब यहाँ पाएगा दूंगा, तो ओके। इन यू प्लान, तुम्हारे किस में, योजना में, मैं तुम्हारी योजना में क्या सफल नहीं होने दूंगा। ये कौन कह रहा है, कुत्ता कह रहा है, जो वफादार डॉग है वो कह रहा है। द स्टंट थीप, जो स्टंट हुआ, स्टंट का मतलब है दंग रह जाना, जो चोर था वो दंग रह गया, इसकी बातों को सुनकर क्या, वो दंग रह गया। रन अवे, और भाग गया, कौन भाग गया, चोर, ये चोर था, भाग गया, ये गेट पर खड़ा था, वो भाग गया, एज फास्ट एज, जितना जल्दी हो सके वह क्या, भाग गया। ही कुड जितना जल्दी हो सका वह भाग गया। मोरल क्या है, लॉयल्टी कैन नॉट बी वॉट, जो वफादारी होती है कैन नॉट बी वॉट, उसको खरीदा नहीं जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा मोरल है, तो इसका मोरल देखिए, मोरल काफ़ी आसान है क्या फ्रेंड्स, कि मोरल है लॉयल्टी कैन नॉट बी वॉट, जो वफादारी होती है, देखिए लॉयल्टी, वफादारी, कैन नॉट बी वॉट, वफादारी को खरीदा नहीं जा सकता फ्रेंड्स। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, इसकी बट पावर क्या है? थीफ होता चोर, डिसाइडेड होता निर्णय लिया तय किया, रोग होता लूटना, एवरीवन होता प्रत्येक, असली होता सोना ये नींद आ गई, जंप ओवर होता कूदा, इमिडिएटली होता तुरंत, क्लाइंबिंग ऑन होता चढ़ा ये चढ़ रहा था, गार्ड्स होता रक्षक जो रक्षा करता है गेट पे, तो क्वाइटन का मतलब होता शांत, थ्री होता फेंक दिया, स्लाइसिस होता टुकड़ा टुकड़े, स्लाइसिस टुकड़े होते हैं, टुवर्ड्स होता की तरफ, स्निफ्ड होता सूंघा, ग्राउंड होता गुर्राया, ब्राइबिंग होता रिश्वत, ब्राइबिंग रिश्वत ये कहता है ब्राइब वो भी रिश्वत होती है, ये नाउन बना रखा है इसको आईएनजी लगा के, स्टंड होता दंग रह गया, इसको सेकंड फॉर्म बना रखा तो दंग रह गया पास्ट में बोलेंगे। तो आप ये बट पावर याद करनी है इंग्लिश को अच्छा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।